हूँ, मेरे साथ छोटे भाई भी हैं और मेरे साथ। ये तो मैंने कुछ और सुना, आपने तक मैं कुर्सी का क्या हूँ, अभी अपने व्लॉग में एक मछली का किया। नहीं नहीं मैंने देखो इनकी शक्लें देखकर मुझे इन पे तरस आ जाता है, इस वजह से मैंने लोबियो का नाम ले लिया, मैंने फिश का नाम नहीं लिया। सब देखने वालों को असदुल्ला केपी का सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैरत होंगे। आज जुमे का दिन है तो जुमे की नमाज भी हो चुकी है। सबसे पहले सबको जुमा मुबारक हो। सुबह से जो है ना मैं इसी तरह लेटा रहा, जुमे की नमाज के लिए फिर तैयारी की और जुमे की नमाज पढ़ ली। अभी असल में मुझे यहाँ केडीए अस्पताल घर से भेजा है कि यार वो मेरा छोटा भाई है उसके लिए फिश वगैरह ठीक नहीं है और घर में आज फिश बनी है, तो इस वजह से मैं लोबिया लेके जाऊंगा उसके लिए। उसके अलावा जो है ना मैंने रोटियां भी उठानी है और फिर जाना है सीधा घर। और ये पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं मेरी लैम्बो खड़ी है, फिर लैम्बो बैठ के सीधा ये छोटे से दो काम है ये भी करने हैं, फिर घर पहुंच कर खाना खा के फिर जाना है दोस्तों के पास। दोस्तों के साथ आज हमारा स्नूकर का प्लान है कि स्नूकर क्लब जाएंगे। तो जितने भी नए देखने वाले हैं कर्णी चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। ये केडीए हॉस्पिटल है, यहाँ आ गया हूँ, यहाँ अपनी लैम्बो भी खड़ी कर दी है और यहाँ मशहूर लोबिया मिलती हैं ये वाली, तो यहाँ से लोबिया लेके वापस चलते हैं घर। तो ये रोटियाँ भी उठा ली हैं इस तंदूर से, बस अभी निकलते हैं सीधा घर को। वो रोटियाँ लेके घर पहुँच गया था, मछली भी खा ली सही है, कुछ खांटे भी बीच में खा लिए, तो बहरहाल कोई मसला नहीं बना अभी तक शुक्र है। तो घर में व्लॉग ना बना पाया क्योंकि वही हम खाने पर बैठे थे, बाहर निकला तो पड़ोसी साथ थे, मैंने कहा भाई इनके सामने मोबाइल ऐसे करके पकड़ूंगा, तो मैंने कहा छोड़ो यार अब आज रहने दो। तो बहरहाल अभी जो है ना मैं स्क्वाशकोट पहुंच गया हूँ, मेरे साथ छोटे भाई भी हैं और मेरे साथ। ये तो मैंने कुछ और सुना, आपने तक मैं कुर्सी का क्या हूँ, अभी अपने व्लॉग में एक मछली का किया। नहीं नहीं मैंने ये दो ग्लाफन, इसको कहते हैं दो ग्लाफन, इसे कहते हैं दो ग्लाफन। मेरी बात तो सुनो, नहीं नहीं अभी नहीं सुनने वाले हम। लेट मी क्लियर क्लेरिफाई माय सेल्फ, जस्टिफाइएबल है ये वैसी बात, कामरान के लिए मछली ठीक नहीं है। अच्छा तो उसके लिए मैं कुरखे ले आया, मतलब लोबिया ले आया, ठीक है। हमें भी क्यों कुरखे आपने कहा यार, जब बात ये ही ना बात जब आप खा रहे थे तो आपने देखो मैं बड़ा दोगला है, दोगला इंसान है और शार्क टैंक वाला दोगला इंसान है, दोगला इंसान है। देखो इनकी शक्लें देखकर मुझे इन पे तरस आ जाता है, इस वजह से मैंने लोबियो का नाम ले लिया, मैंने फिश का नाम नहीं लिया। भाग गए भाई, पहली बार आपके भाई से अच्छे कुछ निकले अल्फाज। तो बहरहाल मजाक कर रहा था, ये भी मजाक कर रहे थे मेरे साथ। तो सीन ये है कि हम यहाँ पे सब गैदर हो गए, मिलते साथ ही गपशप शुरू होगी। आप देख रहे हैं हमारी इतनी हैप्पी हैप्पी जोली जोली कंपनी है और थैंक यू सो मच, आई लव यू, मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं यकीन माने। तो बहरहाल अभी हमने क्या करना है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने स्नूकर क्लब जाना है, और स्नूकर क्लब के साथ एक और चीज़ ये ऐड हो गई है कि उसके सामने जो है ना एक क्वेटा चाय मिलती है, तो वो क्वेटा चाय भी हम टेस्ट करने जा रहे हैं। वैसे काफ़ी नाम सुना था, आज जो है ना खुद चले भी जाएंगे। तो बहरहाल अभी निकलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि पहले ही हमने काफ़ी टाइम वेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर ISSB के साथ पहुँच गए हैं, बस अभी जा रहे हैं रास्ते पर, ठीक है। उस्मान भाई भी साथ साथ जा रहे हैं, गपशप भी लगा रहे हैं, और वहाँ पहुँचेंगे तो फिर चैलेंज की बात करेंगे, फिलहाल ड्राइविंग कर लेते हैं। ये कारवान कॉलेज है, यहाँ पर मैंने FSC की है, मैंने नहीं बल्कि उस्मान भाई ने भी यहीं से FSC की है। ये कॉलेज याद आता है कि नहीं? थोड़ा बहुत, इतना ख़ास नहीं, मतलब आपको कॉन्वेंट ज़्यादा याद आता होगा। हाँ, इन्होंने स्कूल लाइफ वहाँ कॉन्वेंट में गुजारी है। यस, गोल्डन एरा था इनका। तो बहरहाल हमारा गोल्डन एरा तो कभी आया ही नहीं, और शायद गुजर भी गया हो हमें पता ना चला हो, लेकिन बहरहाल अभी निकलते हैं स्नूकर क्लब, इमोशनल नहीं होना। अभी जो है ना हम स्नूकर क्लब पहुंच गए, ये पीछे हमारे स्नूकर क्लब है क्वाड का, ठीक है। उस्मान भाई भी पीछे है और मोहम्मद शाह भाई भी और रिजवान भाई भी। अभी जो है ना मैं चैलेंज, यूजुअल मैच लग चुका है, मैच लग चुका है, लेकिन चैलेंज आज कुछ इंटरेस्टिंग करने जा रहे हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं ये क्वेटा चाय है, ठीक है, ये सामने क्वेटा चाय वाला होटल है। ये जो क्वेटा चाय का होटल मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर जो हम में से जो भी जीतेगा तो वो चाय फ्री की पिएगा और जो हारने वाला है वो पिलाएगा। तो मेरा और उस्मान भाई का चैलेंज लग चुका है। उस्मान भाई देखे ऑन द रिकॉर्ड है, आप ना मैं इनकार कर सकते, ना आप इनकार कर सकते, चैलेंज लग गया, लग गया। इस बार भी आप हराते हैं, चलो इस बार भी हराओ। चलो ठीक है, मैं अपनी हार कबूल कर लेता हूँ। पहले से नहीं हारा, नहीं नहीं पिछली बार वाली, आज की नहीं पिछली बार वाली, स्पोर्ट्समैनशिप थोड़ी दिखानी है ना, तो पिछली बार वाली हार मैं कबूल करता हूँ और इस बार वाली हार नहीं बल्कि इंशाल्लाह जीतूंगा, होप फॉर द बेस्ट, फिर भी हारूँ मैं, मुझे पता है। चलो पहुंच चुके हैं अभी यहीं पे जो है ना केडीए वगैरह उतार देते हैं। तो हमेशा की तरह इस बार भी उस्मान भाई ने सबसे पहले स्नूकर को ब्रेक किया। स्नूकर ब्रेक करने के बाद मेरे लिए एक इजी सी बॉल बन गई, और फिर जब मेरा नंबर आया तो अल्हम्दुलिल्लाह से आपकी बाई की शॉट आप खुद ही देख लें। तो सेकंड बॉल मेरे लिए इतनी अच्छी ना बन पाई, तो मैंने भी स्लो सी शॉट मार दी ताकि उस्मान भाई नेक्स्ट बॉल मारते हुए उसको थोड़ी मुश्किल हो जाए, लेकिन बहरहाल गेम स्टार्ट हो गई थी
और जो रिजल्ट था वो तो आपको वीडियो के एंड में पता चल ही जाएगा। ये सर देगी शॉट, ये 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 शॉट थी। चाय की शर्त ऐसी लगी थी मुझे 5 मिनट में फैसला हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ शुक्र क्वेटा कैफ वाले को ऑर्डर दीजिए कि हमारे चाहिए। स्नोकर हमने खेल लिया है और हमने जो है ना अपनी ट्रेडिशन जो है ना बरकरार रखी है, ट्रेडिशन इस तरह बरकरार रखी है कि मैं फिर से हार गया हूँ, तो मैं हार गया हूँ। उस्मान भाई बड़ा खुश हैं, देख रहे हैं उस्मान भाई, क्योंकि अब मैं क्या करूँगा, चाय पिलाओगे? ऑब्वियसली उस्मान भाई खुश हैं, मैं भी खुश हूँ क्योंकि मैंने ट्रेडिशन बरकरार रखी है, तो आई एम हैप्पी विद दैट। तो उस्मान भाई को जो है ना मैं पिलाऊंगा क्वेटा चाय, ठीक है। तो ये पीछे क्वेटा चाय है, मैंने आपको पहले भी बताई थी ये क्वेटा चाय है, ठीक है। और ये मोहम्मद शाह भाई, तो मोहम्मद शाह भाई ना गेम खेलते हैं, ना ये रिस्क नहीं लेते, इस वजह से ना ये लॉस में होते हैं ना प्रॉफिट में होते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, हमारे साथ बिल्कुल गेम नहीं खेलते। वो रोड के साथ चाय को एंजॉय करेंगे, ठीक है। ये जो है ना पिंडी रोड है, पिंडी रोड पे भी बाहर बैठे हुए हैं, और ये सामने जो था ना पीछे स्नोकर क्लब था जहाँ अभी मैं पहले गया था। हमारी चाय यहाँ पहुँच गई है, काफ़ी लेट आई है, लेकिन कोई बात नहीं भाई। उस्मान मोहम्मद शाह भाई, आर यू रेडी टू कैच इट? आपका तो कप थोड़ा नीचे से लीक है, क्या मसला है? हम अपना कप साइड पे कर लेते हैं। ये वाला सीन है, रोड पर बैठे हैं, बस यही हमारा मरी है और यही हमारी जो है छोटी छोटी खुशियां। चाय पीने के बाद जो है ना तक कहाँ जाएंगे आई डोंट नो, लेकिन देखते हैं। काफ़ी लेट भी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं भाई, तो फिलहाल इंजॉय हो रहा है। क्वेटा चाय पी ली थी, फिर वापस आ गए हैं, अभी हम 2 नंबर गेट पहुँच गए हैं। मेरा भाई जो है ना वहाँ से दही उठा रहा है, तो बहरहाल फिर दही उठाने के बाद जो है ना सीधा वापस निकलते हैं घर को, काफ़ी लेट हो गया है। अभी पहुँचते ही जो है ना तल्ला को दे, तल्ला ने लॉली पॉप इसके लिए हम लाए थे। सारी ज़ुबान दिखाओ, इसकी ज़ुबान देखे सारी हो गई, हो ज़ोंबी की तरह लग रहे हो। बहरहाल ये तल्ला जो है ना हाफिज़ है माशाल्लाह से, कितनी सुपारी हिफ़ किए हैं? 2 हो जाएंगे अभी, 29 और 29। हाँ तो देखें, ये बात मैंने क्यों बताई है, इस वजह से बताई क्योंकि तल्ला के हाथ में ये तल्ला की दुआ कबूल होती है, और इसके जो भी काम आपसे हमसे नहीं हो रहा होता ना वो तल्ला से हो जाता है। क्योंकि ये जो सेल्फी स्टिक इसने उठाई है ना, ये इसकी जो ये तार है ये मेरे मोबाइल में काम नहीं कर रही थी, लेकिन जब तल्ला ने इसके मेरे मोबाइल में एंटर किया तो काम करना स्टार्ट कर दिया। थैंक यू सो मच तल्ला। तो तल्ला की हर दुआ तकरीबन कबूल हो जाती है, तो तल्ला दुआ करो मेरे लिए कि मैं यूट्यूब में कामयाब हो जाऊँ इंशाल्लाह, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और जो है ना अल्लाह, क्योंकि इतनी मेहनत की है, 99th व्लॉग है आज मेरा, और मेरे व्यूवर्स बढ़े, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, इतनी मदद मतलब इतनी स्ट्रगल करो, है ना जी। नहीं कुछ कहना, आज कुछ कहने का ही नहीं, आज कुछ कहने का नहीं है, चलो ठीक। तो घर पहुंचते ही बस अमी ने यखनी दे दी है, और अपना व्लॉग भी यखनी के साथ ही एंड कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा 99th व्लॉग आपको पसंद आया होगा, इंशाल्लाह कल मेरा 100th व्लॉग होगा, और 100th व्लॉग पे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि घर में केक काटूंगा, जो मेरी 100th व्लॉग्स की जो स्टोरी है, किस तरह मैंने स्टार्ट दिया और किस तरह मुझे कौन कौन से हर्डल्स सामने आए, तो वो सारा शेयर करूंगा इंशाल्लाह। बेशक मैं जो है ना उस तरह कामयाब ना हो सका जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मतलब इतना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैं जो है ना पेशेंस से काम ले रहा हूँ और स्ट्रगल से काम ले रहा हूँ, और इंशाल्लाह आई होप कि एक दिन जो है ना मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊँगा। तो बस वीडियो को भी एंड कर देते हैं, सेंटी नहीं होते ज़्यादा। तो खुश रहें, आबाद रहें, सेहतमंद रहें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।